हम अक्सर अपने घरों में नीम का पौधा या तुलसी का पौधा जरूर रखते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन्हें क्यों पूजा जाता है? भारत में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा की जाती है और जिन्हें पवित्र माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 10 सीक्रेट प्लांट्स के बारे में और जानेंगे कि उन्हें क्यों पूजा जाता है। बस देखते रहिए द कुजुपीडिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम रोज आप तक ऐसा कंटेंट लाते रहें। सबसे पहले बात करते हैं पारिजात पेड़ के बारे में। ये पेड़ उत्तर प्रदेश के किंतूर गांव में है। कहा जाता है कि ये पेड़ 1000 से 5000 साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण खुद इस पेड़ को स्वर्ग से अपनी पत्नी रुक्मिणी के लिए लेकर आए थे। ये पेड़ महाभारत से भी जुड़ा हुआ है और कहते हैं कि ये कुंती की राख पर उग रहा है। ये फूल देवी लक्ष्मी का भी पसंदीदा माना जाता है और उनकी पूजा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कदम पेड़ भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी बांसुरी इसी पेड़ के नीचे बैठ के बजाया करते थे। कदम का पेड़ देवी दुर्गा का भी पसंदीदा है। माना जाता है कि कदम जंगल में मां दुर्गा रहा करती थी। अशोक के पेड़ को पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पवित्र माना जाता है। इस पेड़ का फूल भारतीय राज्य ओडिशा का स्टेट फ्लावर भी है। कहा जाता है कि अशोक के पेड़ के नीचे ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये पेड़ लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है और अक्सर इसके पत्तों का इस्तेमाल कई धार्मिक कार्यों में भी किया जाता है। पीपल का पेड़ भारत में पूजे जाने वाले सबसे ज्यादा पेड़ों में से एक है। इसे बोधि ट्री भी कहा जाता है। इस पेड़ को बुद्धिज्म में पवित्र माना जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति इसी पेड़ के नीचे की थी। जबकि हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ 3 महान देवताओं विष्णु, ब्रह्म और शिव को दर्शाता है। जड़े ब्रह्म को, लकड़ी विष्णु को और पेड़ के पत्ते शिव को दर्शाते हैं। पेड़ के चारों तरफ एक लाल धागा या कपड़ा बांधकर इसकी पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ को स्वर्ण का पेड़ माना जाता है क्योंकि पूर्वजों और देवताओं को इस पेड़ के आसपास समय बिताना अच्छा लगता था। बरगद के पेड़ को श्री कृष्ण का निवास स्थान भी कहा जाता है। इस पेड़ के पत्तों और फलों को कई धार्मिक समारोहों में भी इस्तेमाल किया जाता है। बरगद के पेड़ की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। बेल भारत का एक बहुत ही पवित्र पेड़ है और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। स्कंद पुराण के एक अंश में यह कहा गया है कि कैसे जब देवी पार्वती के माथे से पसीने की बूंदें गिरी तो मंदराचल पर्वत पर एक पेड़ उभरा जो बेल का पेड़ था। क्योंकि बेल के पेड़ में पार्वती का वास होता है, इसीलिए इसे भगवान शिव को चढ़ाने के लिए सही माना जाता है। बेल के पत्ते आपको हर हिंदू पूजा में दिखाई देंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई बेल पत्र को छू लेता है तो वो सभी नेगेटिविटी, पापों और बीमारियों से मुक्त हो जाता है। आमतौर पर इसका रंग गुलाबी होता है और ये नॉलेज और प्रोस्पेरिटी का प्रतीक है। देवी लक्ष्मी और सरस्वती लाल और सफेद कमल पर बैठती हैं। कमल ब्रह्म से भी जुड़ा हुआ है। कमल का फूल लक्ष्मी और दुर्गा पूजा के लिए भी एक इम्पोर्टेंट फूल है। आप हर जगह देखेंगे कि लक्ष्मी जी अपने हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं। नारियल के पेड़ को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि नारियल में पाए जाने वाले 3 डॉट्स भगवान शिव की 3 आंखों को दर्शाते हैं। माना जाता है कि नारियल का पानी गंगा को, गिरी देवी पार्वती को और बाहर का शैल भगवान शिव को दर्शाता है। नीम का पेड़ अपनी मेडिसिनल या औषधीय गुणों की वजह से जाना जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ ये देवी दुर्गा से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो 3 नीम के पेड़ लगाता है वो मृत्यु के बाद 3 युगों के लिए सूर्य लोक में रहता है और कभी भी नरक में नहीं जाता है। इंडियन माइथोलॉजी में सबसे पवित्र पौधों में से एक है तुलसी, जो हर घर में पाई जाती है। तुलसी के पौधे की पत्तियों को सर्दी और खांसी ठीक करने के लिए जाना जाता है। इस पौधे को तुलसी का रूप माना जाता है और इसीलिए इसकी पूजा की जाती है। ये भगवान विष्णु से भी जुड़ी हुई है। कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अकॉर्डिंग तुलसी वास्तव में कृष्ण की एक प्रेमिका थी जिसे राधा ने एक पौधा होने का श्राप दिया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले क्या बता सकते हैं कि भारत का नेशनल फ्लावर क्या है? जल्दी से हमें अपने आंसर्स कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।